बिहार में पोस्टर वॉर की जो पॉलिटिक्स है वो एक के बाद एक नए नए पोस्टरों के साथ जारी है और उसने बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा के रखा है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर एक नया पोस्टर है जिसमें लालू यादव के ससुराल और उनके पैतृक गांव जहां पर उनका जन्म हुआ उसकी कहानी बताई गई है। सबसे पहले इस वाले पोस्टर पर आते हैं और इसमें दो तस्वीरें हैं। ये लैंटेन युग है, इसमें लोग हैं, लैंटेन दिख रहा है आपको तस्वीरों में, और इस तरफ की जो का जो हिस्सा है उसमें दिख रहा है कैदी संख्या 3351 लालू जी के पैतृक गांव फुलवरिया, कह रहा बिहार के विकास की कहानी। लालटेन युग से बिजली युग तक का सफ़र, लालू जी के पैतृक गांव में बिजली प्रतिदिन उपलब्धता 22 से 23 घंटे, बिजली उपभोक्ता 20,365, नए तार लगाए गए 128 के एम सी के एम और 4.9 CR करोड़ रुपए की लागत से, ये बताने की कोशिश है। लालू यादव के फुलवरिया की कहानी है जहाँ पर लालू का जो पैतृक जगह है वहाँ की कहानी है। ये फुलवरिया लालू यादव का पैतृक घर है। और उसके बाद अब इस तस्वीर पे आइए, ये तस्वीर है, देखिए लालू यादव जी के ससुराल राबड़ी देवी जी का नैहर सेलर कला, कह रहा बिहार के विकास की कहानी। और सेलर कला जो गांव है फुलवरिया प्रखंड है ये, और सेलर कला गांव का ये बोर्ड है देखिए, और उसमें लिखा जा रहा है, उसमें भी वही चीज़ें हैं कि कैदी संख्या 3351, लालू जी के ससुराल व राबड़ी देवी जी का नैहर सोलर कला, कह रहा बिहार के विकास की कहानी। और वहां पर बिजली 22 से 23 घंटे है, बिजली उपभोक्ता की संख्या 20,365 है और 128 किलोमीटर ऐसा कुछ करके लिख रहे हैं कि बिजली के तारे से लगाए गए हैं। और इस तरफ की तस्वीरें, उधर लालटेन युग था, यहाँ पे लालू और राबड़ी, और यहाँ पे लैंटेन से की तस्वीर से दिखाने की कोशिश हुई है कि मिट्टी के चूल्हे पे खाना, लैंटेन और लैंटेन में पढ़ते बच्चे, ये दिखाने की कोशिश हुई। और यहाँ पे लिखा गया है लैंटेन युग से बिजली युग की तरफ बढ़ता बिहार। ये दो पोस्टर्स ने बिहार में आज सनसनी फैला के रखी है। आपको बताएं कि जो पोस्टर हैं उसके सहारे हमला बोलने की जो कोशिश है वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि पटना में पहले जो पोस्टर आया उसमें नीति सिद्धांत और इस तरह की कई चीज़ें आई, टोकरी से लेकर के सियासत शुरू हुई, 15 साल की बात हुई, और अब लालू यादव के पैतृक गांव और राबड़ी देवी के का जो नैहर है उसको लेकर के बिहार के विकास की कहानी के सहारे लालू राबड़ी सरकार के 15 साल पर हमला बोलने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।